ना मैं भिक्षा देने के लिए नहीं आया था। बोले बाबा आप किसी काम से भी आए हो आप यहां अंदर नहीं जा सकते। जब इतना मना करने के बाद अंदर नहीं जाने दिया भगवान भोलेनाथ को क्रोध आया, त्रिशूल से उस बालक का चीज घर से अलग कर दिया। और जब मां होना स्नान करके बाहर आई क्या देखती है मेरा बालक बिना चीज के पड़ा हुआ है। और मां होना क्या कहती है क्या किया ये तुमने स्वामी माला पुत्र मेरा अंतर्यामी अब जग में होगी बदनामी जिंदा करो मेरा नाम। तब भगवान भोलेनाथ ने अपने दूतों से कहा जाओ जो भी मां अपने बालक को पीट देकर सो रही हो बालक का जी किया हो। सब जगह घूम लिया जंगल में एक मस्त हंसनी अपने बालक की तरफ पीट देकर सो रही है और वो बालक भूख से चिल्ला रहा है। गर्मी उस बालक का जी दिया और भगवान भोलेनाथ के पास आए और भगवान भोलेनाथ ने जब गणेश जी का चीज लगा दिया चंदन चौकी केसर का तिलक लगाए स्वयं की भोले ने पूजा गणेश बनाए महाराज की Thank you.
एक बार दोनों हाथ मिल गए बाबा भगवान के चरणों में मिल गए ते मिल के तालियों नाल बना लेंगे नगर में मजा Thank you.
ते एक बार दोनों हाथ खड़े करो बिल्कुल सीधे। जो जो भाभी करनी लगना चाहते हैं मिट्टी में की तालियां ना की कहेंगे जन्म की चाहता ਸਾਨੂੰ ਦੀਦਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦਾ
Thank you.
ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚ ਝੂਮ ਕੇ ਨੱਚਦੇ ਹੋਏ ਮਾਂ ਭਗਤ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲੂ ਬਜਾ ਦੇ ਪਰਿਆ ਸਾਥੀ ਸੁਣਾ ਦੇ
ਤੇ ਮਾਂ ਭਗਵਤੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸ਼ਰਮ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮਾਂ ਭਗਵਤੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਗੇ ਸਾਰੇ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਰਨ।